पर आशा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखूबी रख रहे होंगे। दोस्तों आज है 9 जून 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में एक इम्प्रूवमेंट फील हो, एक कॉन्फिडेंस फील हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये जो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है और इस डे को, ये जो ब्रेन ट्यूमर डे है, ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इस बीमारी को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, लोगों को इस बीमारी के लिए जागरूक करने के लिए, याद दिलाने के लिए इस डे को पूरे वर्ल्ड में, इस 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले इस डे को, जो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, इसको एक जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था, ठीक है, जो कि लोगों को एजुकेट करता है और अवेयर करता है ब्रेन ट्यूमर के बारे में। अगर बात करते हैं जून के मंथ के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको जून मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद रहे हमेशा। चलिए, 1 जून को मनाया गया था ग्लोबल पेरेंट्स डे, ठीक है, ग्लोबल पेरेंट्स डे 1 जून को मनाया गया था। तो वहीं 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, और उसी दिन मनाया गया था तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना जो 29वां राज्य बना था भारत का, ठीक है, अभी तो 28 राज्य, लेकिन उस समय जो तेलंगाना है 29वां राज्य बना था, वो बना था 2 जून 2014 को, इसीलिए 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे, ठीक है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेंस विक्टिम ऑफ एग्रेशन, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है और इसके थीम को भी आपको याद रखना है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ठीक है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इसकी थीम रही थी, ठीक है, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। उसके बाद 7 जून को मनाया जाएगा इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, वही 7 जून को मनाया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अच्छा, इसका थीम क्या रहा था, आपको इसके थीम को बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वहीं पर 8 जून को कौन सा डे मनाया गया, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, और आज के दिन 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया गया। तो चलिए, आज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हुए जून के वो हमने रिवाइज कर लिया। चलिए अब करते हैं, नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार को नाम दे दिया। चलिए, बात हुआ था कि ये जो अभी अभी की जो केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण के द्वारा 2021-22 वाला बजट जब पेश किया गया था, तो उसमें बात किया गया था कि 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी को, एक जो सरकारी बैंक और एक बीमा कंपनी का जो स्टेक है वो सरकार बेचेगी, ठीक है, उसको निजीकरण करने जा रही है। तो इस निजीकरण के लिए जो नाम का जो सिलेक्शन करने के लिए कहा गया था, किसको सौंपा गया था, इसका पद, इसके इसके इसका जो काम सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था, तो नीति आयोग को सौंपा गया था। तो अभी अभी नीति आयोग ने नाम सेलेक्ट करके, फाइनलाइज करके 2 बैंकों का दे दिया है, ठीक है, और वो 2 बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम सेलेक्ट करके दे दिया है। सरकार इससे इसकी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, यानी कि इसका निजीकरण करने जा रही है इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर बात करें तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है, बहुत बुरी बात है, निजीकरण का विरोध हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसका हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 कहां आयोजित किया जाएगा। ये फर्स्ट है, ठीक है, ये पहला 5S वर्ल्ड कप होगा जो 2024 में होगा और वो ओमान में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ये छोटी पिच पर खेली जाने वाली हॉकी है और इसकी शुरुआत जो है, इसका शुभारंभ 2019 में किया गया था और FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 को ओमान में,
ठीक है, ओमान में इसका आयोजन किया जाएगा हॉकी वर्ल्ड कप का। अच्छा, ओमान का बारे में बात करें तो ओमान का जो कैपिटल है वो है मस्कट, ओमान का कैपिटल है मस्कट, और यहाँ कौन किस करेंसी क्या चलती है तो ओमानी रियाल, ओमानी रियाल, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कतर की, दोहा में 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कतर के दोहा में 2022 में। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला तो वाटर ब्यूरियल जो है, जो कि एक अरुणाचल प्रदेश की मूवी है, ठीक है, इसको वाटर ब्यूरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो बात करते हैं कस्तूरी, जो कि हिंदी मूवी है, कस्तूरी को कौन सा अवार्ड दिया गया तो बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म का अवार्ड कस्तूरी को दिया गया, बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म का अवार्ड कस्तूरी को दिया गया। वहीं जल्लीकट्टू के बारे में बात करें तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जल्लीकट्टू को दिया गया। तो वहीं बात करते हैं जो राधा है, ये हिंदी मीडियम वाली हिंदी मूवी है, इसको बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड राधा को मिला। और ये कब मिला तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म वाटर ब्यूरियल को मिला, कस्तूरी बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के रूप में इसको अवार्ड मिला, जल्लीकट्टू बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, और राधा को मिला बेस्ट एनिमेशन मूवी का अवार्ड मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूएन के द्वारा 2021 से 2030 को किस दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये थीम भी रही थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो इसके बेस्ड पर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बेस पर क्या करेगा 2021 से 30 तक यूएन जो है इसको 2021 से 30 यूएन जो है 2021 से 30 डिकेड कौन से डिकेड के रूप में मनाएगा तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन के डिकेड के रूप में इसे मनाएगा। तो वही बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेज है, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेज है, ये भी यूएन के द्वारा घोषित किया गया है, और किस दशक किस डिकेड के रूप में घोषित किया है 2022 से लेकर 2032 तक के डिकेड को, दशक के किसके रूप में घोषित किया है, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेज, यानी कि स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग जो है ये भी यूएन के द्वारा दशक के रूप में घोषित किया गया है 2021 से 30 तक ही, ठीक है, इसके रूप में ही घोषित किया गया है। वही बात करते हैं नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस, ठीक है, नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस जो है ये किस कौन से दशक के में इसे घोषित किया गया है तो 2019 से 2028 तक के दशक को नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस के रूप में यूएन के द्वारा घोषित किया गया है। बात करते हैं यूएन की तो यूएन के जो अभी महासचिव वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस यूएन के अभी महासचिव हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। देखिए असम सरकार ने अपने छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे नामित किया है। असम में अभी तक 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, नेशनल पार्क थे, वो कौन कौन नेशनल पार्क है तो असम के नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और जितने भी नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उस पर हम लोग, हमारे चैनल पर वीडियो आएगा, आप उसे देखना ना भूलिएगा। चलिए जो असम का नेशनल पार्क 5 है अभी तक, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग और डिब्रू साइखोवा। तो ये जो है असम के, ये डिब्रू साइखोवा, ये असम के 5 नेशनल पार्क थे, और छठा नेशनल पार्क जो है असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में इसे घोषित किया है, छठे नेशनल पार्क के रूप में इसे बोला है कि अब ये नेशनल पार्क होगा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, और ये असम का 6वां नेशनल पार्क होगा। रायमोना नदी के किनारे ये रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है, और इसे अब असम के 6 नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है, तो आपको इसे याद रखना है। बात करते हैं असम की तो असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि अभी अभी असम के सीएम बने हैं, और वहां के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, जगदीश मुखी, आपको याद रखना है, जगदीश मुखी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, पीएनजीआरबी, ठीक है, पीएनजीआरबी ये क्या है,
तो पीएनजीआरबी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। और पेट्रोलियम के मिनिस्ट्री कौन है आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के जो नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो संजीव नंदन सहाय, ठीक है, ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं। और इन्हें इन्हें क्या किया गया है, संजीव नंदन सहाय को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अभी चेयरमैन के रूप में इन्हें घोषित बनाया गया इन्हें। अच्छा, ये जो इनका नाम जो है, इनका नाम जो है लिस्ट में लाया गया, इसे इसे क्या किया गया कि इसका नाम का सिफारिश किया गया, तो उस वो जो एक टीम बनाया गया था नाम को देने का, नीति आयोग के एक सदस्य बीके सारस्वत के द्वारा इसके इनके नाम को क्या किया गया है, दिया गया है कि आप इन्हें बनाइए, संजीव नंदन सहाय बीके सारस्वत के द्वारा। वही टी रविशंकर की बात करें तो ये जो है अभी अभी फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के, फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। और अगर एमके स्टालिन की बात करें तो ये अभी तमिलनाडु के सीएम बने हैं, तमिलनाडु के सीएम बने हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एचएसबीसी इंडिया, एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये एचएसबीसी। और ये इंडिया वाले ब्रांच का सीईओ किन्हें बनाया गया है, तो हितेंद्र दावे इनको बनाया गया है एचएसबीसी इंडिया का सीईओ, ठीक है, हांगकांग को एचएसबीसी इंडिया का सीईओ बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगे, मतलब कि ये पहले यहां पर इसके सीईओ कौन थे, तो सुरेंद्र रोसा जो थे ये पहले इनके सीईओ थे, अब इनका स्थान लेंगे हितेंद्र दावे। चलिए बात करते हैं सत्या नडेला की, तो माइक्रोसॉफ्ट के अभी ये सीईओ हैं, ठीक है, सत्या नडेला। वहीं अगर मयूरी कांगो की बात करें तो मयूरी कांगो अभी गूगल इंडिया की हेड है अभी मयूरी कांगो है। तो ये हो गई बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इंडिया में एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई जो कुटीर उद्योग जो होता है, लघु उद्योग वाले जो संस्था है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये कोविड पेंडेमिक के कारण इस जो एमएसएमई है उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिला है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि की मंजूरी दी है, $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इंडिया को, ठीक है, $500 मिलियन। तो ये जो एमएसएमई है इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि जीडीपी में एमएसएमई सूक्ष्म और लघु उद्योग का जो है योगदान है इंडिया के जीडीपी में 30% का योगदान होता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट, अगर इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं एमएसएमई के द्वारा, एक्सपोर्ट में 4% का योगदान है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को $500 मिलियन की मंजूरी दी गई है। अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, कहाँ, वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस में है। उसके बाद अभी इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो डेविड मलपास, आपको इसे भी याद रखना है, डेविड मलपास। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था। तो ये हो गया बात इस क्वेश्चन से रिलेटेड। उसके बाद जो अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की मंजूरी दी गई थी, रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, उसके द्वारा मंजूरी दी गई थी रिलीज करने को। तो जब रिलीज किया गया तो उसमें स्कूली शिक्षा, यानी कि स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है, स्कूली शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन वाले जो गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी, उसके पैरामीटर्स में सुधार करने में सबसे टॉप पर इस बार कौन रहा है, तो पंजाब, कौन रहा है, पंजाब। इस पहले जो था, पिछले बार का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018-19 में जारी किया गया था, इसमें पंजाब 13वें स्थान पे था उस समय। लेकिन इस बार जब 2019-20 वाला जारी किया गया है, तो इसमें पंजाब फर्स्ट स्थान को ऑक्यूपाई किया है, टॉप किया पंजाब ने, ठीक है। 1000 का पूरा स्कोर होता है, उसमें से पंजाब ने 929 स्कोर अचीव किया, और 929 स्कोर के साथ ये टॉप पर है। दूसरे स्थान पर कौन है,
दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। स्टेट और यूटीज की बात करें तो दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, ठीक है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। वही बात करते हैं केरला की, तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था, SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था, और इसमें केरला जो है टॉप पर था, इसमें केरला टॉप पर था, और सबसे नीचे कौन था बॉटम में, तो बिहार था, आपको इसे भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को लाया जाएगा और अभी चल भी रहा है, तो अगर आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो आपके लिए हम लोग बहुत ही उम्दा गुणवत्ता का, बहुत ही उत्कृष्ट गुणवत्ता का कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में हमारा भी थोड़ा योगदान होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में नए कंटेंट के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें और स्वस्थ रहें।